तो लेबनान में पेजर सेट्स में हुए सीरियल ब्लास्ट में जो घायल हैं उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। धमाके में एक बच्चे समेत 8 की मौत हो गई है। अल जजीरा ब्लास्ट में अब तक 3000 के करीब लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्ला के कई कमांडर भी घायल हुए हैं। ईरान के राजदूत भी इस धमाके में घायल हुए हैं। 3 महीने पहले जॉर्डन से ये सेट खरीदे गए थे। हिजबुल्ला का दावा है कि ये धमाके इसराइल ने कराए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट हुआ है और यह धमाका किसी आरडीएक्स या दूसरे एक्सप्लोजिव से नहीं हुआ बल्कि पेजर से किया गया। बिल्कुल सही सुना आपने, वही पेजर जो 90 के दशक में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था, उन्हीं पेजर में सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए हैं और इसमें हिजबुल्ला के 1000 से ज्यादा लड़ाके घायल हो गए हैं। 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इन धमाकों की तस्वीर पूरे लेबनान से आ रही है। कहीं सब्जी मंडी में पेजर ब्लास्ट हुआ है तो कहीं ग्रोसरी शॉप में। इस वक्त पूरे लेबनान में पैनिक सिचुएशन है। लोग घबराए हुए हैं, इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि हिजबुल्ला के हजारों लड़ाकों के पास इसी तरह के पेजर मौजूद हैं जिन्हें वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। अच्छा जगविंदर जी, क्योंकि ये हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली भी तस्वीरें हैं, हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं इन धमाकों से जुड़ी हुई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल तकनीक के इस्तेमाल में बहुत माहिर माना जाता है, चाहे उनकी सुरक्षा एजेंसियां हों या फिर उनका तमाम आर्मी का नेटवर्क हो, वो पूरा तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ है कि पेजर्स, जो कि आम तौर पर आदमी अपनी लोकेशन डिस्क्लोज ना हो ये बचने के लिए इस्तेमाल करता है, भारत में 30 साल पहले ये तकनीक होती थी। तो अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्ला कैसे इजरायली अटैक से बचने के लिए अपनी जीपीएस लोकेशन ना आ जाए या फिर कोई और सर्किट इस्तेमाल ना हो, इससे बचने के लिए पेजर का कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन इजरायल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको भी ढूंढ निकाला और उनको, चाहे वो गली था, चाहे मोहल्ला, चाहे दुकान थी, चाहे सब्जी मंडी थी, वहां चुन चुन कर ये हमले किए गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसराइल ने चलती फिरती मौत का सामान बना दिया उस पेजर को, बम बना दिया उस पेजर को, जो जेब में सिर्फ एक संदेश कन्वे करने के लिए रखा गया होता था, खासकर हिजबुल्ला की तरफ से। यानी हिजबुल्ला को उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम आपको रॉकेट, मिसाइल या बम विस्फोट से ही नहीं मार सकते, हम आपकी जेब में रखी हुई जो तकनीक है, जो आप हमसे बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यानी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करके आप पेजर को इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपके पेजर में घुस के भी हम आपको मार सकते हैं। तो ये इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज ने सीधा सीधा आतंक के नेटवर्क को एक मैसेज दिया है। दूसरी बात, अगर पेजर भी आपका इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी को पता है तो फिर हिजबुल्ला को ये आइडिया हो जाता है, ईरान को ये संकेत मिल जाता है कि कैसे मोसाद या फिर इसराइल की बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उनके घरों तक घुसी हुई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान के कई वीआईपी भी इस पेजर हमले की चपेट में आए हैं। तो ये इसराइल ने एक बड़ा स्ट्राइक किया है और ऐसा स्ट्राइक है जिसके बारे में कम से कम हिजबुल्ला, लेबनान या फिर ईरान ने तो सोचा नहीं था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।